तो दोस्तों एलसीडी एलईडी पैनल रिपेयर करने के लिए सस्ता कम बजट में बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप इसी तरह एलसीडी एलईडी पैनल रिपेयर करने के लिए ये जो हेड लाइट मैं ये पहन के वीडियो बना रहा हूँ, ये आप यूज़ करके आसानी से बहुत कुछ कम कर सकते हो। चलिए इसका डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, और इसका जो सिस्टम है बहुत बढ़िया सा सिस्टम है, आपको पूरा डिटेल्स कैसे यूज़ किया जाता है और ये न्यू खरीद करने के समय इसका साथ क्या क्या मिलता है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों ये एलसीडी का एक पैनल पीसीबी है, और ये पैनल पीसीबी के अंदर अधिक टाइम बहुत कुछ लाइन को काट करके रिपेयर कराना पड़ता है, जॉइन करके रिपेयर कराना पड़ता है। तो इसी तरह ये जो पैनल के अंदर ये जो शुरू लाइन जो दिखा जाता है, ठीक है, काम करने का समय ये जो शुरू लाइन दिखा जाता है, इतना ये शुरू लाइन है कि ये अधिक टाइम काट करना पड़ता है, काट करने के बाद वो भी जॉइन कराना पड़ता है। तो दोस्तों नॉर्मल आँखों से वो हर टाइम नहीं दिखा जाता है। तो दोस्तों ये जो शुरू लाइन है, आप ये ग्लास लगा के आप इसी तरह बड़ा बड़ा आप देख सकते हो। मैं ये मोबाइल कैमरे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना सा बड़ा, ठीक है, इतना सा बड़ा बड़ा आप देख सकते हो आसानी से काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं अमेजन से ख़रीद किया, ये लाइट हेड मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये जो लाइट हेड मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके अंदर बहुत कुछ इसके अंदर लिखा है, और इसका ऊपर सब कुछ ये मैं पहन करके भी आपको दिखाया, और ये बड़ा सा पैकेट के अंदर ये दिखा जाता है, ठीक है। बहुत कुछ छोटा छोटा चीज़ देखने के लिए, ठीक है, सिलाई करने के लिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने के लिए, वॉच रिपेयर करने के लिए, ठीक है, एलसीडी टीवी इस सब रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो, आप ये ग्लास के यूज़ कर सकते हो। और ये पैकेट के अंदर जो मिला आपको दिखाना चाहते हो, देखिए ये बहुत सी आप बड़ा सा पैकेट है, और इसके अंदर इसी तरह कुछ ग्लास मिलता है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से एक ग्लास को मैंने निकाला, 4 ग्लास, ठीक है, 4 ग्लास मिलता है। देखिए मैं एक ग्लास को लगाया, तो आपका जो आँखों का आप हिसाब से आप लगा सकते हो। ये बहुत ही सी पतला सा है, और उसी से थोड़ा सा मोटा, और उसी से ये मोटा वाला लेंस है, और उसी से ये भी मोटा वाला लेंस है। ये अलग अलग बहुत लेंस इसके अंदर है, तो मेरा हिसाब से मैं ये लेंस को लगाया, ठीक है, ये लेंस को लगाया। और चलिए मैं इसका डिटेल्स आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, मेनली अब न्यू खरीद करेगा तो, ठीक है। मैं ये अमेजन से ख़रीद किया। फर्स्ट कंडीशन तो दोस्तों देखिए, ये जो लॉक है, ठीक है, ये लॉक पुश करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो आपका हेड का हिसाब से, ठीक है। ये आपका जो हेड है, ये पुश करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और ये जो सामने पोजीशन, ये भी टाइट करने के लिए ये साइड भी आप घुमा के टाइट कर सकते हो, ठीक है, ये साइड भी घुमा के आप टाइट कर सकते हो। और ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता है। और दोस्तों और एक बात कि इसके अंदर एक स्विच है, इसके अंदर एक स्विच है, इसी तरह ऑन ऑफ करना पड़ता है। ऑन ऑफ करने के बाद इसके अंदर लाइट है, ठीक है, ये लाइट ऑन हो जाएगा, देखिए ऑफ और ये लाइट ऑन। इसके अंदर 2 LED है, 3-4 LED भी दिखा जाता है, और ये ऊपर और नीचे भी मूव करता है, ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरह मूव करता है। और दोस्तों देखिए ये जो ग्लास लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको ये अच्छा सा पकड़ना पड़ेगा, इस तरह पकड़ने के बाद आपको हल्का सा ये बाहर खींचना पड़ेगा। एक बार खींचा और ये बाहर, और एक बार खींचने के बाद देखिए ये ओपन हो जाता है, ठीक है, इसका उल्टा सीधा भी है। और दोस्तों यार और एक बात, और ये लगाना भी बहुत आसान है, आपको इसी तरह लगा के थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, प्रेशर देने के बाद इस तरह ये टाइट हो जाता है, और ये ग्लास भी मूव करता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ भी रीजन से ये ग्लास पोजीशन ये टूट जाएगा, तो दोस्तों ये प्लास्टिक का है, टूट जाएगा तो दोस्तों इसका नीचे भी अलग सा ये ग्लास लगाने का ये पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए ग्लास लगाने का पॉइंट है, यहाँ पर भी आप ग्लास लगा सकते हो। अब देख सकते हो, मैं आपको पूरा घुमा के दिखाया, देखिए दोनों इसका अंदर बेस है जिसका अंदर आप ग्लास लगा सकते हो। तो मेरा हिसाब से ये फर्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं साइड कर दिया, ये अभी लगाने का ज़रूरत नहीं है। और इसका नीचे देखिए एक ढक्कन है, मतलब ये ढक्कन को आपको प्रेशर देके, इस तरह प्रेशर देके आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 सेल यूज़ होता है, ठीक है, 2 सेल ये ओनली लाइट के लिए, और ये शोरू वाला बैटरी है, ठीक है। शोरू मतलब दोस्तों ये जो रिमोट के अंदर इसी तरह बैटरी देखा जाता है, टिपिले का, ठीक है, टिपिले बैटरी यहाँ पर यूज़ होता है। तो दोस्तों आप चार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हो, बाहर से अलग से चार्ज करना पड़ेगा, इसके अंदर चार्ज करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और इस तरह आपको टाइट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अलग अलग
ये जो लाइट देखिए, इसका अंदर दो लाइट है बट तीन चार लाइट भी आप देख सकते हो, तो आप ये अमेजन से ख़रीद कर सकते हो। ठीक है, मैं अमेजन लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा। ठीक है, आप अमेजन से ये लाइट को ख़रीद कर सकते हो। थैंक यू दोस्ती, वीडियो फुल वॉच करने के लिए।